लास्ट वीडियो में हम लोग इन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो टू डायमेंशनल मोशन होती है, यानी कि इस मोशन में बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल करती है। हम लोगों ने इसकी मिसाल में कहा था कि जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि क्रिकेट के मैदान में जब वो खिलाड़ी होता है वो किसी भी बॉल को हिट करता है तो वो बॉल लाइटली सा मूव करते करते एकदम इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करते करते एकदम जो है वो हाइट अटेन कर लेती है और ये उसका पाथ बन जाता है। तो इस तरह का जो पाथ बनता है उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिकल डिस्टेंस पे ट्रैवल हुआ है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ट्रैवल हुआ है। ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है जो बाद में ट्रैवल हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जो पहले ट्रैवल हो जाता है जब वो बॉल को किक करता है खिलाड़ी, जब वो प्लेग्राउंड में किक करता है। सिमिलरली अगर आप किसी हाइट पर खड़े हैं, किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हुए हैं और आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बॉल थ्रो करें तो आप देखेंगे कि बॉल को तो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर थ्रो किया है तो कुछ देर बाद ये बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से सीधा नीचे की तरफ आते आते इस तरह का एक कर्व पाथ बना लेती है और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो इस सिचुएशन में भी जो बॉडी है वो वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो हमारे पास जो कर्व सा जो पाथ बनता है वो इस तरह से कर्व शेप में बन जाता है और इस तरह के पाथ को हम जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। सिमिलरली प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल में हम लोगों ने कहा था कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह आ सकते हैं, मुख्तलिफ बॉल्स वगैरह की मोशन आ सकती है। इसके अलावा इसमें फुटबॉल और वॉलीबॉल वगैरह की एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्रिकेट बॉल की एग्जांपल आप ले सकते हैं जिसको जब प्लेयर जो है वो किक करे। इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल में वो साइक्लिस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, जैसा कि मैं आपको भी यहाँ दिखाती हूँ। इस वाली एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इस वाले इमेज में तमाम साइक्लिस्ट जो हैं वो इस तरह से मूव करते हैं कि वो एक प्रोजेक्टाइल सा कर बना लेते हैं, एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाते हैं। क्योंकि इनकी मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो जो रास्ता या जो ट्रेजेक्ट्री ट्रेवल करते हैं उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्टाइल कर्व की या प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि इसे किस तरह से डिफाइन किया जाए, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बेसिक होती हैं। अगर अब आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी को, फॉर एग्जांपल हो सकता है आप इसे इस मिसाल से समझ लीजिए कि किसी प्लेग्राउंड में एक क्रिकेटर ने, क्रिकेटर नहीं बल्कि एक प्लेयर कह लीजिए, एक प्लेयर ने किसी फुटबॉल को हिट किया, ठीक है। तो जब वो फुटबॉल को किक मारता है तो उसके क्या होता है कि उसे वो एक इनिशियली वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी देने के बाद वो जिस भी जोर से वो वेलोसिटी देता है आपका जो फुटबॉल है वो उसी तरह हाइट अटेन करता करता वापस ज़मीन पे आके हिट करता है। फर्ज कर लेते हैं कि आपका जो प्लेयर है उसने कोई इनिशियल वेलोसिटी वी आई दी, यहाँ पर हम इसे वी आई कह देते हैं, जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट की जा रही है। जैसे इसे मैं अगर क्लियरली बनाऊँ तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये आपका लेट सपोज के प्ले ग्राउंड है जिसमें इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है जो किसी ना किसी अल्फा एंगल के साथ दी गई होगी या थीटा एंगल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, किसी ना किसी एंगल के साथ आपने वो वेलोसिटी उस फुटबॉल को दी है। अब क्या होता है कि आपने जैसे कि पढ़ा है सेकंड चैप्टर में जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, चूँकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है तो मैं वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ। ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस, जब मैं इस वेक्टर को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगी तो आपको मालूम है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट आता है इसे हम लोग, चूंकि ये वी आई का वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसे मुझे वी आई वाई कह देना चाहिए, और ये जो चीज़ है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो मुझे इसे वी आई एक्स कह देना चाहिए, चूँकि ये वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और दूसरी बात, आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो वी आई साइन थीटा के इक्वल होता है, सिमिलरली जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो वी आई कॉस थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ओरिजिनल वेक्टर तो आपका वी आई है और एक्स की जगह हम लोग जो है वो कॉस थीटा लेते हैं। तो इस तरह से आपने जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी है उसको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस चीज़ को उन्होंने वी वाई का नाम दिया है और इस चीज़ को वी एक्स का नाम दिया है, यानी कि उन्होंने वी आई को, यहाँ पे उन्होंने वी आई की जगह वी ओ ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वी ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो पहली आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसे उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। अब ये काम इसी तरह से चलता चला जा रहा है।
आपको मालूम है कि जो आपकी बॉडी है उसने जो पाथ कवर किया है वो तकरीबन इस तरह से उसने एक कर्व बनाया है, और इस कर्व में आप कहीं भी ले लें, ये तो आपको मालूम है कि ये आपकी वो फर्स्ट वाली इनिशियल वेलोसिटी है जो कि आपकी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यानी प्लेग्राउंड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। और अगर आप किसी भी पॉइंट पे, हो सकता है आपको यहाँ पर भी वेलोसिटी मालूम करनी हो, आप कहें भाई मैं इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी मालूम करना चाहता हूँ, मैं इस पॉइंट पे भी मालूम करना चाहता हूँ, और मुझे वो भी वेलोसिटी चाहिए जिस वेलोसिटी के साथ मेरी बॉडी ने ज़मीन को वापस आके हिट किया है। जैसे कि अक्सर देखा गया होगा कि जब फुटबॉल को प्लेयर किक करता है तो वो हमेशा हवा में ही नहीं रहता, बल्कि जिस वेलोसिटी से वो उसको किक मारता है उस वेलोसिटी से वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ वापस ज़मीन पर आके हिट करता है। तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी फाइनल वेलोसिटी के तहत ही ज़मीन पे आके हिट करता होगा, और जिस वेलोसिटी से ज़मीन को कोई चीज़ हिट करे यानी ज़मीन पर आकर रुक जाए, या जैसे कि आप गाड़ी को आपने स्टार्ट किया तो कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, जब गाड़ी स्टॉप होगी तो उसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जब फुटबॉल ने अपनी जो मोशन है स्टार्ट की तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, जब वो इस पॉइंट पर पहुँचा तब इस पॉइंट पर पहुँच के भी इसकी वेलोसिटी इस तरफ ही होगी टेंजेंट टू द पॉइंट, तो इस पॉइंट पे इसको हम वी एफ कह देंगे। अब अगर इस पॉइंट पर, बल्कि हर पॉइंट पर ही हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के हर कंपोनेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरह होगी, यहाँ पर जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन इस सिम्त में होगी, तो यानी कि हम हर पॉइंट पर जो है वो वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट में वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करते चले जाते हैं। ये रिजॉल्व इसलिए करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि आया कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का ऐसा है जो थ्रू आउट द मोशन जो है वो सेम रहता है, और कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो चेंज होता रहता है। अब अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी ना, इसे हमने बोला कि हमने ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लिया और ये वाला जो है हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट बना लिया। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बनाया ना, इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर बना लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ती, वी आई वाई की बात कर रही हूँ। तो सिमिलरली देखिए, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके भी दो कंपोनेंट है, ये वी वाई और ये वी एक्स। जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा है उस वक्त भी इसके दो कंपोनेंट है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप पर बिल्कुल उसके साथ आ गया, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ही रहा। लेकिन इस सिचुएशन पर क्या होता है, अब इस सिचुएशन पर आप ये एक बात गौर कीजिए कि यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट, जबकि असूलन बात ये है कि यहाँ पर कोई वर्टिकल कंपोनेंट तो होता नहीं, यहाँ पर बॉडी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाती है, यानी कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। और जब कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल इस तरीके से हो, कोई एंगल ही ना बना रहा हो प्लेन सरफेस के साथ, यानी उसका कोई एंगल ना बनता हो, उसका जीरो एंगल हो, तो उस सिचुएशन में हम उसके कंपोनेंट को रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होता है जो कि वी आई एक्स होता है, तो हमें यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर देना चाहिए ये बताने के लिए कि इस पॉइंट पर जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट कोई भी नहीं है। अब जैसे जैसे वेलोसिटी आगे बढ़ती चली जाती है तो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन उलट जाती है, यहाँ पर देखा जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की जानिब था, अब यहाँ पर आए तो वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया क्योंकि हमारा वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो ही ज़ीरो हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो पोजीशन मज़ीद बढ़ी, मज़ीद वेलोसिटी की जो है वो डायरेक्शन बढ़ती चली गई, उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला गया, तो जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड रिएक्ट करने लगा। अब जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि आप इस इमेज से गौर कर सकते हैं कि जो आपका वी आई एक्स है यानी कि ये वाला कंपोनेंट, इसे देखा जाए तो ये हर सिचुएशन में बिल्कुल सेम है। जैसे कि इस सिचुएशन में देखा जाए तो ये आपका वी आई एक्स है, जब यहाँ पर बॉडी पहुँची तब भी ये वी आई एक्स है, जब इस सिचुएशन में पहुँची तब भी ये वी आई एक्स है, और जब बॉडी नीचे पहुँची तब भी ये वी आई एक्स है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बॉडी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि वी आई एक्स है, यानी कि वी आई एक्स जो कि इक्वल्स है वी आई कॉस थीटा के, वो थ्रू आउट द मोशन जो है वो बिल्कुल सेम रहता है, या उसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज ही नहीं होता। और जो चीज़ चेंज होती है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे चेंज होता है,
वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से चेंज होता है कि इनिशियल स्टेट में वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसे आप वर्टिकल कंपोनेंट को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस सिचुएशन में देखें तो अपवर्ड है, और जैसे जैसे वो आगे पोजीशन बढ़ती चली जाती है आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट ने हर हाल में तब्दील होना है, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और वो चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होने से कोई भी चीज़ जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो फ़ायदा हमें हो जाता है, वो फ़ायदा ये है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, अलबत्ता इसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई बॉडी मूव करे तो जाहिर सी बात है कि उसका एक्सेलरेशन भी होता है, क्योंकि मूविंग बॉडी है वो वेलोसिटी रखती है। तो जाहिर सी बात है कि टाइम किसी भी वक्त के दौरान या में किसी भी सेकंड में, हो सकता है 1 मिनट में 2 मिनट में 1 सेकंड में 2 सेकंड में, किसी भी टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी में जो है वो थोड़ा बहुत एडिशन हुआ हो, थोड़ा बहुत जो है वो उसमें फ़र्क पड़ा हो, तो वेलोसिटी में वक्त के लिहाज से जो भी तब्दीली हो जाए हम कहते हैं कि जी उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन आ गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन का पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ वेलोसिटी होती है वहाँ पर एक्सेलरेशन तो खुद ब खुद ही आ जाता है। अगर अब मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो जिस तरह से वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन के भी दो ही कंपोनेंट आएंगे। अगर मैं एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स की बात करूं कि अगर जैसे कि मैं आपको ये कहूं कि वेलोसिटी ही की डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन होगा, तो लेट्स सपोज कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को भी मुझे इसके हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इसके वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। और जिस तरह से वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो VI cos theta रहता है, जो कि सेम रहता है। अब ये डिपेंड करता है आपके प्लेयर पे या आपके उस बॉडी पे कि वो जिस बॉडी को हिट कर रहा है उसे कितने एंगल पे हिट कर रहा है। जितना एंगल होगा उसके हिसाब से आपका VIX जो है वो डिफरेंट होता चला जाएगा। इसी तरह बस यही इसमें VIX में फ़र्क पड़ता है और VIX में कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है जिसे हम AX कहते हैं, वो एक्स जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, इसे हम लोग ज़ीरो मान लेते हैं। और जो हमारा वर्टिकल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आता है जिसे हम लोग AY कह देते हैं, वो इस डायरेक्शन में यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेट में वो जो है वो ग्रेविटी के इक्वल होता है, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है तो उस सिचुएशन में हमारा जो AY है वो -G हो जाता है। आपको मालूम है कि जब भी कोई बॉडी जो है वो बुलंदी या हाइट अटेन करती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करूँ तो मुझे ये कहना चाहिए कि ये जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में है वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है। यहाँ पर हमारी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट होगा वो +G होगा, यहाँ पर जाके एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है। चूंकि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ही जीरो है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ही से तो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन का भी वाई कंपोनेंट जीरो होगा। अब जैसे ही वेलोसिटी आगे थर्ड पोजीशन पे मूव करती है तो आप देखेंगे कि इसका VIY ये जो है, अब यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि VIY जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए कि जब कोई चीज़ बुलंदी से वापस ज़मीन की तरफ आती है तो उस वक्त जी की जो कीमत है उसमें कमी होती है, तो हम यहाँ पर -G कह सकते हैं। तो जब उसकी हाइट में चेंजिंग आती है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है वो माइनस साइन के साथ आ जाता है, -G हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के कंपोनेंट आ जाते हैं। अब एक बात ये है कि हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है VI उसके बारे में तो इल्म होता है, चूँकि वो हम खुद देते हैं अपनी बॉडी को जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसके बारे में हमें अक्सर मालूम होता है कि हमने कितनी वेलोसिटी दी है। लेकिन जिस वेलोसिटी के साथ हमारी वो बॉडी दोबारा ज़मीन को आके हिट करती है यानी VF, इस वेलोसिटी के बारे में हमें नहीं मालूम होता। और अगर हमें इस वेलोसिटी को मालूम करना है तो इसे जो है वो हम लोग जो है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि हमारी है कि VF इज इक्वल्स टू VIT VI प्लस AT, इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके जो है हम वो VF मालूम कर सकते हैं।
लेकिन इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में हमें काम ये करना पड़ेगा कि हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक वी एफ एक्स मालूम हमें करना पड़ेगा इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते, और एक वी एफ वाई को मालूम करना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना होता था, यहाँ पर जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो अगर ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि जिस फर्ज कर लीजिए कि जो वी एफ है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, जब रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करना हो और आपके पास दोनों कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गिवन हो, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर या फाइनल वेक्टर को आसानी से मालूम कर सकते हैं। जब आपके पास वी एफ एक्स और वी एफ वाई आ जाता है तो आप वी एफ जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं, जिसे आप यूँ मालूम कर सकते हैं कि आप वी एफ एक्स का स्केयर ले लें और एडिशन वी एफ वाई का स्केयर ले लें, तो यहाँ से आपको जो है वो वी एफ नोन हो जाती है जो कि आपकी फाइनल वेलोसिटी है। और अगर आपको अब ये भी मालूम करना है कि भाई मुझे ये भी तो तरीका मालूम होना चाहिए ना, ये बात तो मुझे समझ आ गई कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी का पता होगा और फाइनल मुझे मालूम करनी होगी, और फाइनल को मालूम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं जो एक फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन है उसे इस्तेमाल करूँ। अब उसे इस्तेमाल करने में भी मुझे दो रुकावटें पेश आ जाती हैं, वो ये है कि मुझे वी एफ को एक्स की फॉर्म में भी और y की फॉर्म में भी मालूम करना पड़ेगा। वो मालूम इसलिए करना पड़ेगा कि चूंकि vf जो है वो टू कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है, एक जो है वो हॉरिजॉन्टल में और एक जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती कर दी, वो ये कि यहाँ पे वी एफ एक्स नहीं vi नहीं आना चाहिए था, चूँकि फाइनल है तो यहाँ पर वी एफ एक्स आना चाहिए था, यहाँ पर सिमिलरली वी एफ वाई आ जाएगा। तो इन दोनों के मालूम होने से मेरे पास जो है वो वी एफ आ जाता है। अब अगर मैं वी एफ एक्स को आपको बताऊं कि जो वी एफ एक्स है उसे आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि आप फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन को एक्स कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लें, यानी यहाँ पर ए को भी एक्स की फॉर्म में और टाइम तो ऐसे ही रहेगा। वी आई एक्स आपको मालूम है कि वी आई कोस थीटा के इक्वल रहेगा थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। और ए एक्स आपको मालूम है कि हमने बात की है कि वो जीरो है, वो कॉन्स्टेंट रहता है, तो जीरो जो मल्टीप्लाई हुआ टाइम से, तो यहाँ पर वी एफ एक्स जो है वो सिंपली वी आई कोस थीटा के इक्वल आ गया, इसे आप इक्वेशन ए का नाम दे दीजिए। सिमिलरली वी एफ वाई की बात की जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें वी आई को वाई के कंपोनेंट के फॉर्म में लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ए वाई इंटू टी। सिमिलरली वी आई वाई जो है हर पोजिशन पर जो है वो वी आई साइन थीटा है, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि जो नेगेटिव साइन है वो वी आई वाई के साथ हम नहीं लगाएंगे बल्कि हम वो एक्सेलरेशन के साथ यूज़ करेंगे। ए वाई आपको मालूम है कि इस डायग्राम में यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आने की वजह से हम लोग ए वाई के लिए यहाँ पर माइनस जी का साइन यूज़ करेंगे और साथ टी। तो हमारे पास जो वी एफ वाई है उसका एक्सप्रेशन वी आई साइन थीटा माइनस जी टी बन जाएगा, इसे इक्वेशन बी कह दीजिए। तो इन दोनों का स्क्वायर लेने से आपको फाइनली पता चल जाता है कि आपका जो वी एफ फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है। तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए, इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए, फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की फाइनल वेलोसिटी बता सकते हैं कि आया कि आपकी बॉडी कितनी वेलोसिटी से जाके ज़मीन को हिट करती है। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन की सिर्फ अभी हमने एक चीज़ पढ़ी कि इसकी वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं, इसकी हाइट टाइम और रेंज वगैरह के बारे में हम लोग अपनी वीडियो में अगली वीडियो में जो है वो बात करेंगे। होप सो आज की वीडियो में आपको काफ़ी हद तक वेलोसिटी के बारे में समझ आ चुका होगा, और जो बाकी पैरामीटर्स हैं उसे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।